नमस्कार दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे भी पैसे कमा रहे हैं। अब आज शुक्रवार है तो आज थोड़े से माता लक्ष्मी की बात हो जाए, थोड़े पैसे की बात हो जाए, थोड़े गरीबी और अमीरी की बात हो जाए। बहुत ज़रूरी है ये जानना कि एक तरफ हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है, आज लाखों करोड़ों नौजवान को इस बात की शिकायत है कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार उनके लिए पता नहीं क्या कर रही है, ऐसे ऐसे शिकायत लोग करते रहते हैं। और इसी 2023 में आज के दौर में लाखों या करोड़ों बच्चे पैसे कमा रहे हैं, और भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत पैसे कमा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि एक तरफ लोग कहते हैं घोर कलयुग आ गया, और दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चे भी पैसे कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं आप सभी जानते हैं। फिर मैं एक बार बता दूँ कि एक समय था कि बच्चों से काम करवाना अपराध था, बाल मजदूरी अपराध था। अगर आप किसी बच्चे से काम करवा रहे हैं, चाहे आप चाहे दुकान पर नौकरी करवाइए, चाहे आप लेबरर का काम दीजिए, मजदूर का काम दीजिए, तो आपके ऊपर केस किया जा सकता है, मुकदमा किया जा सकता है, क्योंकि चाइल्ड लेबर इज ए क्राइम, बच्चों से बाल मजदूरी एक अपराध है। लेकिन शुरू से आप याद कीजिए, 1950 के बाद से याद कीजिए, अगर कोई बच्चा फिल्म में काम कर रहा है तो वो अपराध नहीं है। अजीब बात है, अगर वो घर का दीवार उठा रहा है तो वो अपराध है, और अगर वो किसी फिल्म में अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल कर रहा है तो अपराध नहीं है। इसमें क्या फ़र्क है? थोड़ा फ़र्क है, हो सकता है बच्चे की मजदूरी उसे उसकी पढ़ाई लिखाई में बाधा बने, या उसके मन के मर्जी के खिलाफ हो रहा होगा। लेकिन जब कोई एक बच्चा फिल्म में काम कर रहा है तो हो सकता है वो बच्चा अपने मन से ही काम कर रहा है। खैर, इसका दूसरा एंगल लीजिए। आज 2023 में जब मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे का YouTube पर वीडियोज में देखता हूँ, मैंने ये भी देखा कि नर्सरी का जो राइम्स होता है उसका एक वीडियो का व्यू था 551 करोड़, 551 करोड़ व्यूज। यानी कि YouTube पर छोटे छोटे बच्चे भी अपना कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत पैसे कमा रहे हैं। मेरी तरफ से एक गुड सिग्नल है, बिल्कुल है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, चूँकि मैंने खुद 10-15 साल लगातार मैंने बॉलीवुड में काम किया है, जब भी हम लोग सीरियल बनाते हैं उसमें जब कोई छोटा बच्चा रोल कर रहा होता है और अगर वो कंटिन्यूटी में है, मतलब कहानी में लगातार है, वो स्कूल को और पढ़ाई को कैसे मैनेज करता है? सोचने वाली बात है। अगर कोई बच्चा डेली सोप में काम कर रहा, यानी कि प्रतिदिन वाले धारावाहिक में काम कर रहा है, वो स्कूल कब जाता है या फिर वो शूटिंग कब करता है? सोचने की बात है। मेरा एक और समझिए भांजा ही है, वो बच्चा सीरियल में काम करता है, कैसे मैनेज करता है अपने आप को, ये आज के बारे में सोचने वाली बात है। मैं आज भी कहूँगा एक बच्चा कितना भी कमा ले, यहाँ तक कि 3 साल की बच्चियाँ इंस्टाग्राम में इतना अच्छा अच्छा वीडियो बना रही है, मैं तो उसका नाम ही भूल जा रहा हूँ, एक बच्ची है 3 साल की होगी, 4 साल की होगी, इतना अच्छा अच्छा वीडियो बनाती है कि पता नहीं उसके कितने फॉलोअर्स हैं, हजारों में हैं। उसी तरह से YouTube में आइए तो छोटे छोटे बच्चे अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं और उनके अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि बचपन से ही पैसा कमाना गलत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर कोई बुढ़ापा में पैसा ना कमाए तो बुढ़ापा ख़राब हो जाता है, कोई जवानी में पैसे ना कमाए तो जवानी ख़राब हो जाता है। तो अगर कोई बच्चा बचपन में ही कमा रहा तो क्या गलत कर रहा है? जो बच्चा बचपन से ही पैसे कमा रहा है, हो सकता है उसके आने वाले समय में उसका वही पैसा उसे अच्छी पढ़ाई में काम आएगा, उसे अच्छी नौकरी में काम आ सकता है, या जीवन में वो जो कुछ भी अचीव करना चाहता है उसमें उसको हेल्प करेगा। पैसा कमाना, सही ढंग से पैसा कमाना हमेशा ही अच्छी बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी तरफ हमें ये भी सोचना चाहिए कि जीवन में जो बच्चों का जो काम है ये अस्थाई नहीं होता है। कभी कभी आपने देखा होगा सचिन जो एक्टर हैं नदिया के पार वाले, सचिन पिलगांवकर, बचपन में उन्होंने रोल किया, जवानी में रोल किया, अब तक वो काम कर रहे हैं। एक सचिन को छोड़ करके आप बाकी कलाकारों को याद कीजिए जिन्होंने बचपन में भी काम किया हो, बाद में भी सफल रहे हों, बहुत कम लोग हैं। ऋषि कपूर साहब थे, शशि कपूर साहब थे, ये एक दो सचिन गिने चुने, महमूद साहब, जूनियर महमूद, कुछ थोड़े बहुत कलाकार थे 5 या 10 जिन्होंने बचपन में भी काम किया, उन्हें जवानी में भी काम मिला, बुढ़ापे में भी काम मिला।
नहीं तो 5-6 कलाकारों को छोड़कर बाकी सभी जो चाइल्ड आर्टिस्ट रोल करते थे उनको भविष्य में काम नहीं मिला या नहीं किया, कारण जो भी रहा हो। इसलिए मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चों से, जो लोग YouTube पर काम कर रहे हैं, मेरी अपनी भी एक बच्ची है, मैं साक्षी की बात नहीं कहना, और भी बच्ची है, उसे बहुत इंटरेस्ट है कि वो YouTube पर कुछ काम करे, उन सब बच्चों से मैं एक बात और करना चाहता हूँ। विद्या परम धनम, विद्या सबसे बड़ा धन है। बच्चों, YouTube बनाना हो या कोई भी प्रोग्राम बनाते समय हमेशा याद रखें, विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं है। हो सकता है आपका डांस, आपका गाना आपको कुछ दूर तक सफलता दिला सके या लाइफ टाइम भी सफलता दिला सके, तो क्या इसके लिए आप पढ़ाई का रास्ता छोड़ दीजिएगा? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे सामने कहते हैं कि हमको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, हमको डांस में इंटरेस्ट है। मुझे दुख होता है, उसको क्या पता कि विद्या क्या है, पढ़ाई क्या है। मैं खुद देखा जाए तो मैंने भी BSc तक मैंने पढ़ाई की और मैंने हजारों किताब मैंने पढ़ा है, और आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मुझे बहुत तरह की किताबें पढ़ने का मौका मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर हो या फिर अब कितने भी राइटर, आप विदेशी राइटर का नाम लीजिए, मैंने उनके भी किताब पढ़े हैं। संस्कृत हमने पढ़ी है, मेघदूतम मैंने पढ़ा है, और बहुत बहुत कुछ है। कहने का मतलब, मैंने अपने सिलेबस के अलावा बाहर की किताबें और मैगजीन्स तो मैंने सैकड़ों पढ़ी है। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस बात से कि मुझे पढ़ने का शौक़ है और मैं आज भी पढ़ाई करता हूँ। मेरे बिस्तर पर जहाँ मैं सोता हूँ, ब्लावटस्की की किताब, समाधि के सब द्वार, ऐसे ऐसे किताब मेरे पास हमेशा रहते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी पैसे कमा रहे हैं, बहुत बहुत मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन विद्या का हाथ मत छोड़ना, पढ़ाई का हाथ मत छोड़ना। आज मैं शुक्रवार को हमेशा याद दिलाता हूँ, बहुत ही कठोर बात है, विद्या और धन में से अगर एक को चुनना पड़े तो विद्या को चुनिए, धन पीछे पीछे आ ही जाएगा। मेरा अपना मानना है, अगर आप में विद्या है, उचित प्रॉपर विद्या है, धन आपके पीछे आने को तैयार है। मैं अभी कुछ देर पहले अपने एक दोस्त के साथ था जिनका अपना स्कूल भी है, उनके साथ मैं 15-20 मिनट से ज़्यादा रहा, उनके साथ मैं बैठा हुआ था। जहाँ मैं अपने स्कूल में पढ़ाता हूँ वो है, या पाथरडी में सैकड़ों आदमी हैं जो मुझे हमेशा काम देने को तैयार हैं, चाहे स्कूल का नौकरी हो या ट्यूशन का काम हो। किसके बल पर? विद्या के बल पर। अगर मैं YouTube पर कुछ बोलता हूँ या अभी जो बोल रहा हूँ, किसके बल पर बोल पा रहा हूँ? विद्या के बल पर। मैंने जो कुछ भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की, जो कुछ भी मैंने ज़िंदगी से सीखा, उसके बल पर मैं YouTube पर बोलता हूँ। और आप सभी बच्चों से और आपके गार्जियन से मैं कहना चाहता हूँ, एक संतुलन बनाए रखिएगा, बच्चे का पढ़ाई छूटे न पाए। हम जानते हैं बहुत मज़ा आता है डांस करने में या तरह तरह के परफॉर्मेंस करने में, एक्टिंग करने में, लेकिन शायद ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं हुआ। तो इसलिए पढ़ाई को पैरेलल में लेकर चलिए, समानांतर लेकर चलिए। अगर आपके बच्चे में, एक बात आपने हाल में देखा होगा, इसरो के जो वैज्ञानिकों ने, ISRO वैज्ञानिकों ने जो Chandrayaan-3 भेजा था, उनके वैज्ञानिक और एक नाचने वाले आर्टिस्ट में आपको अंतर दिखाई पड़ता है? बहुत बड़ा अंतर है। अगर इसरो का एक वैज्ञानिक आ जाए और दूसरी तरफ एक YouTube पर डांस करने वाला कोई बच्चा आ जाए, तो आप दोनों के सम्मान की तुलना कर सकते हैं? नहीं, आसानी से कर सकते हैं। जब इनके पेट में दर्द होता है तो इन्हें डॉक्टर पास जाना चाहता है। अगर बच्चे डॉक्टर बनना ही नहीं चाहे, डांसर बनना चाहे, तो संतुलन समाज में आवश्यक है। इसलिए जो कोई भी बच्चे हैं, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ तो एक टीचर भी साथ में हूँ, अगर मुझे आर्ट से जब कमजोरी होती है, यहाँ से पैसे नहीं मिलते हैं तो टीचर से पैसे मिलते हैं। जब मैं एक्टर था, सीरियल में काम करता था, फिल्मों में काम करता था, वहाँ से पैसा मिला, वहाँ से नहीं मिला तो टीचिंग से मिला। खैर, मेरे लिए दो काम है, ये अच्छी बात है, कोई आदमी एक ही काम करे बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहना यही चाहता हूँ, जितने भी बच्चे मल्टीमीडिया में काम कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक के लिए कर रहे हो या जितना भी नाम आप जानते हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आप सभी बच्चे अपने आर्ट और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बेशक मेरा मनोरंजन होता है, मुझे कुछ सीखने को मिलता है, या समाज में क्या क्या घटनाएं घट रही है वो हमें देखने को मिलता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक बच्चा एक दिन में एक वीडियो डाले, 5 वीडियो डाले, ताकि वो बाकी समय पढ़ाई लिखाई को दे सके,
पैसे तो आप जरूर कमा रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, हो सकता है साल भर बाद, दो साल बाद, पाँच साल बाद उन्हें पैसे मिलने लगे, और इतने पैसे मिलने लगे कि उनका 80 साल 100 साल का खर्च निकल जाए, माना। और मेरे तरफ से आशीर्वाद और शुभकामना भी है, आप ऐसे ही पैसे कमाएं कि लाइफ टाइम के लिए आपको कमाने की सोचना न पड़े। ऐसा संभव है, लेकिन आपके भीतर जो पोटेंशियलिटी है डॉक्टर बनने की, डॉक्टर बनने की जो क्षमता है, अगर आपके भीतर इंजीनियर बनने की क्षमता है, एक पॉलिटिशियन बनने की क्षमता है, वैज्ञानिक बनने की जो क्षमता है, उसका क्या करेंगे? उससे भी खिलने का अवसर दीजिए। मैं अपने सारे दोस्तों से जो इस मेरे यूट्यूब पर देख रहे हैं, आपसे हो सकता है आपका बच्चा भी यूट्यूब में इन्वॉल्व हो और वो प्रोग्राम्स बनाते हो, रील्स बनाते हो, छोटे छोटे वीडियोज़ बनाते हो, उन्हें ज़रूर प्रोत्साहित कीजिए, अच्छे सब्जेक्ट पर काम करने चाहिए। और याद रखिए, बुरे सब्जेक्ट भी हैं, मैं अपने बल पर कहता हूँ, जहाँ कहीं भी कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जिन्हें हम अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं। अगर कुछ ऐसे रील्स हैं जो मैं अपने माता पिता बेटा बेटी के साथ नहीं देख सकता हूँ, वैसे कंटेंट्स से बचिए और अपने बच्चों को बचाइए। मैं कभी कभी चिंतित होता हूँ कि जो वीडियो मेरे सामने अचानक आ गया, अगर वो मेरा बेटा के सामने आ जाता, मेरी बेटी के सामने आ जाता, तो मैं उस आदमी को माफ़ नहीं करता जो इस तरह के वीडियोस बनाते हैं। अभी मेरे एक बहुत ही आदरणीय एक यूट्यूबर हैं, अब तक उनका आदर होता रहा, आज भी हो रहा, आगे भी होगा। उनको मैंने बोलते हुए सुना और उन्होंने अपने वीडियो में ऐसे भाषा का उपयोग किया जो हिंदी नहीं था, स्लैंग जिसको कहते हैं, अपशब्द कहिए, अपभाषा कहिए, उन्होंने ऐसे भाषा का यूज़ किया कि मेरा एक दो साल से जो उनके लिए सम्मान था वो मिट्टी में मिल गया। मैंने उनको तुरंत अनसब्सक्राइब किया, उन्होंने गलत तरह से एक शब्द को बोला था। आप एक तरफ इतना सालों से इज्जत कमा रहे थे, मोटिवेशनल वीडियो बना रहे थे, अभी भी बनाते हैं, लाखों लोग उनको देखते हैं, मुझे वो वीडियो में दिख गया कि आदमी भद्दे तरीके से शब्द का यूज कर रहा, उम्र में मुझसे छोटे हैं, अनुभव ज़्यादा होगा वो अलग बात है। मैंने उनको अनसब्सक्राइब किया कि अगर मेरा बेटा बेटी कभी वीडियो खोलता हो और वही आदमी अगर वैसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो मैं ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं करूँगा। मतलब मेरा सिर्फ अपना ही एक बेटा बेटी नहीं है, देश के करोड़ों बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं। अगर कोई व्यक्ति मल्टीमीडिया का, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करता है और गलत कंटेंट डालता हो जिससे हम पर, हमारे बच्चों पर या हमारे माता पिता पर दुष्प्रभाव पड़ता हो, ऐसे लोगों को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। किन्हीं के रील की वजह से मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, कोई भी अगर भ्रमित होता है या भ्रमित होने में उन्हें सहयोग मिलता है, ऐसे लोगों को मैं क्षमा नहीं करूँगा। आप कह सकते हैं मत देखिए, माना कि मैं नहीं देखूँगा, कुछ समय के लिए आपके सामने वो आ तो जाता है, खैर जो भी हो, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर एक बात किसी ने कही है, अगर आप सही हैं तो आपके सामने गलत चीज़ आने से भी कांपेगा एक बार। बहुत बढ़िया बात, अगर आप सही हैं तो गलत चीज़ आपके सामने आने का हिम्मत ही नहीं जुटाएगा। जितने भी दोस्त, जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं मल्टीमीडिया पर, सॉरी सोशल मीडिया कहना अच्छा रहेगा, सोशल मीडिया पर जितने भी बच्चे आज एक्टिव हैं, पहली बात तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, जहाँ देश बेरोजगारी से परेशान है आप लोग पैसे कमा रहे हैं, बहुत सुंदर। 3 साल 5 साल के बच्चे भी पैसे कमा रहे हैं, यहाँ तक कि एनिमल्स के वीडियो ज़्यादा चलता है, एनिमल्स के थ्रू भी लोग पैसे कमा रहे हैं, इट्स ओके। जो व्यक्ति गलत तरह के कंटेंट से पैसे कमा रहा है, और बहुत है, अगर एक अच्छे प्रवचन को 10-15 व्यूज मिलते हैं तो गंदे गालियों को 10-15 लाख व्यूज मिलते हैं, और उसके लिए मैं कभी गाली का रास्ता नहीं पकड़ने वाला हूँ, मुझे गालियाँ नहीं देनी है स्क्रीन पर। समाज के सामने जब हम बैठे हैं तो हमारा एक जिम्मेवारी है। मैं अपने से छोटे बच्चे, स्टूडेंट, मेरे माता पिता, भाई अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे वो, बिना इसकी परवाह किए लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। खैर दूसरे की बात छोड़ दीजिए, मेरा कंसर्न मेरे अपने दर्शकों से है, और इस समय मेरे 3,300 सब्सक्राइब्स है, यानी 3,300 सब्सक्राइब्स आप सभी लोगों के लिए, और मेरे अब 10 लाख तो नहीं, 9 लाख मेरे व्यूअर्स हैं। आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को, अगर वो सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट बना रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, सहयोग कीजिए, वो अच्छे कंटेंट बनाएं। लेकिन पढ़ाई का हाथ मत छोड़िए, पढ़ाई को पैरेलल, समानांतर,
या प्राइमरी मानकर चलिए। विद्या आपको जीवन भर साथ देगा और उसमें भी साथ देगा जिसमें आप काम कर रहे हैं, आपके आर्ट में भी साथ देगा। यही मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज सभी गार्जियन अपने बच्चों को जरूर रील्स बनने में हेल्प करें, लेकिन उनका कंटेंट चेक कीजिए, कंटेंट क्या है, उन्हें 1, 2, 3, 4, 5 तक अलाउ कीजिए, बाकी समय पढ़ाई लिखाई में लगाइए। बच्चों, देश को सिर्फ आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं है, देश को डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक की भी ज़रूरत है। तो आज फ्राइडे के दिन मेरा यही मैसेज था, छोटे छोटे बच्चे भी पैसे कमा रहे हैं सोशल मीडिया पर, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन विद्या का दामन मत छोड़ना बच्चों, तुम्हें बहुत कुछ बनना है, बच्चों में बहुत सारी क्षमता है, गौतम बुद्ध भी बन सकते हैं सारे बच्चे। मेरे बहुत सारे शुभकामनाएं बच्चों के लिए, और आप सभी मित्रों से कहना है आपके बच्चे भी पैसे कमाएं सोशल मीडिया पर, मेरी तरफ से शुभकामनाएं और आशीर्वाद। लेकिन विद्या का साथ मत छोड़िएगा, मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।